श्री नवा नागेश्वर राव जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमारा पार्टी टीआरएस का पार्टी, हमारा अध्यक्ष से, हमारा हम लोगों का तरफ से, हमारा मेंबर का तरफ से अभिनंदन है। स्पीकर साहब, आपका बारे में हम लोग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह से पूरा अपना हिस्ट्री बता दिया है, हम लोग तो कुछ लोगों को इतना मालूम नहीं था, बस आज का दिन में आपका बारे में बोलने के बाद बहुत खुशी का बात है। आप एक आम आदमी का नेता है, आप एक सोशल वर्कर है, आप एक किसान का बेटा है, इतना क्वालिटी का साथ आज के दिन में ये पद में बैठने का बाद हम लोगों का हाउस को, सब आदमी का इच्छा यही है, सब लोग को जो है ना न्याय मिलेगा। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने हाउस का बाहर बताया था, ये हाउस में चुनने का, चुन के आने का बाद नंबर से कोई मतलब नहीं है, सबको न्याय मिलेगा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर बताया, अंदर आप बैठा है, हम लोग सब चाहता है जिस तरह से जो है ना आपका नाम सुनते हुए सब लोग आके सब इकट्ठा से जो है ना आपका नाम को जो है ना सपोर्ट किया है, उसी तरीके से हम लोग का सब पार्टी लोगों को, छोटा हो बड़ा हो, सबको जो है ना न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा बोल के हम लोग का सबका उम्मीद है। उस उम्मीद का साथ हम लोग जो है ना आपको धन्यवाद करना चाहता है, आपको जो है ना आगे ये हाउस को, ये हाउस में जितना आदमी लोग बैठा है सब लोग आपका बच्चा है, ये हाउस को पालने का जो है ना आपको मौका मिला है वो चेयर में बैठते हुए, सबको न्याय मिलेगा बोल के धन्यवाद। श्री चिराग पासवान जी।